हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद सुक्कू रोहित में। और इस बार सुक्कू रोहित आए हुए हैं कल्पा में, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी आज एक्सप्लोर करने वाला हूं कल्पा के अंदर। तो आप भी जब स्पीति का ट्रैवल प्लान करेंगे या कल्पा किसी भी कारण घूमने आ रहे हैं, रहना चाहते हैं, तो इस होटल में आके आप रह सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, यहाँ से आपको किन्नर कैलाश के डायरेक्ट दर्शन भी होंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ गए हैं कल्पा में, और बहुत ही एक अच्छी प्रॉपर्टी में अभी हम लोगों ने चेक इन किया है, जिसका नाम है होटल कल्पा। और आप देख सकते हो पीछे किन्नर कैलाश आपको दिख रहा होगा। किन्नर कैलाश के दर्शन आप यहीं से कर सकते हैं इस होटल में अगर आप रहते हो तो। और बहुत ही सुंदर है कल्पा, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पे जो है सेब की खेती मुझे दिख रही है। ऑल्दो यहाँ पे अभी वो सीजन नहीं है, बट देख रहे हो आप ये सारे सेब के पेड़ हैं। तो ये सारे सेब के पेड़ हैं और फूल आ गए हैं, और कुछ 2-3 महीने के बाद इसमें रेड रेड सेब भी दिखेंगे, बट अभी नहीं आए हैं। बट बहुत ही एक्साइटिंग है ये सेब का पेड़ देखना, क्योंकि अगर आप दिल्ली NCR या कहीं मेट्रो सिटी में रहते हो तो सेब के पेड़ कहाँ ही देखने को मिलते हैं। और ये देख लो पीछे आप किन्नर कैलाश के दर्शन भी हो रहे हैं यहाँ से। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है कल्पा। तो कभी भी अगर आप किन्नौर वैली में अगर आते हो तो कल्पा में एक स्टे ज़रूर प्लान करना, या फिर अगर आप स्पीति भी जाते हैं तो उसके दौरान भी अगर रिटर्निंग में या फिर ऑन गोइंग जर्नी में आप कल्पा में स्टे अपना ले। सो ये है होटल कल्पा। होटल कल्पा का ये रूम बहुत ब्यूटीफुल रूम है, आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे आप अपना आराम से सारे सामान रख सकते हैं। इधर आप वॉशरूम दिखाते हैं, ये है वॉशरूम। गीजर है, कितनी भी ठंडी ठंडी लगे आपको 24/7 यहाँ पे हॉट वाटर आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत ही बड़ा रूम। अभी हमने बहुत सारे होटल एक्सप्लोर किए, इतना बड़ा रूम हमें भी कभी नहीं मिला। और देख सकते हैं बहुत ही लग्जरियस बेड भी है आपके लिए। टी मेकर यहाँ पे रखा हुआ है, टी कॉफी आप अपना खुद से बना सकते हो। एक कैटल रखा हुआ है यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे बेस्ट पार्ट है इस होटल का, कि किन्नौर कैलाश के दर्शन आप रूम से ही कर सकते हैं। ये देखिए, और ये है बालकनी। और आपको ठंड लगेगी तो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी रखा हुआ है यहाँ पे। एंड दिस एक्सपीरियंस इज अनमैचेबल, कि आप अपने रूम के बालकनी से डायरेक्ट किन्नर कैलाश के दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा व्यू आपको अपने रूम से मिलने वाला है अगर आप यहाँ पे स्टे कर सकते करते हो तो। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपका कल्पा में आना होता है तो इस होटल में आपको स्टे करना चाहिए। और यहाँ पे जब भी आप होटल में स्टे लेंगे अपना, तो वैली व्यू रूम ही आप अपना बुक करें। और इसके सारी डिटेल्स मैंने वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, क्या प्राइसेज है, क्या लोकेशन है, तो वहाँ भी जाके आप चेक कर सकते हो। ये नीचे जो जगह दिख रही थी, यहाँ पे जनरली वो भी कराते हैं बोनफायर। ये देखिए बहुत ही प्यारा व्यू, ये है शाम का, अभी सनसेट होने वाला है, और कितना प्यारा दिख रहा है, कितना प्यारा। ग्राउंड फ्लोर पे एक छोटा सा आपको प्लेइंग एरिया मिलेगा, जहाँ पे इन्होंने टेबल टेनिस रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ आए हुए हैं तो यहाँ पे टेबल टेनिस आप खेल सकते हैं। ये बगल में ही आपका इनका ब्रेकफास्ट एरिया था, ये था रिसेप्शन। और इस तरीके से हमने भी बहुत काफ़ी इन्जॉय किया, हम फ्रेंड्स के साथ आए थे तो हमने भी काफ़ी टेबल टेनिस यहाँ पर इन्जॉय किया। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स ये। सो उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के लिए बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद सुक्कू रोहित पे। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें। कुछ भी अगर पूछना है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कल्पा से रिलेटेड, तो आप वीडियो में कमेंट करके लिख सकते हैं। बहुत जल्द स्पीति से रिलेटेड बहुत सारे प्लेंटी ऑफ वीडियोज में डालने वाला हूँ अपने चैनल पर, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। और अपने फ्रेंड्स फैमिली में कोई भी कल्पा जाने वाला है तो उसके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में।